गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखिए एक एक चीज़ अभी जो हम लोग बोलेंगे, जो चीज़ हम आपको बताएंगे, लिख लेना। जब क्लास करने आप बैठो तो एक कॉपी पेन पेपर कुछ लेकर के आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसको लेकर के बैठिए। कोई भी चीज़ ऐसी लगे ना इम्पॉर्टेंट है, नोट करने वाली, ज़रूरी नहीं है कि एक एक चीज़ जो हम बोल रहे हैं आप उसको लिखते जाओ, ज़रूरत भी नहीं है इसकी। कुछ पॉइंट्स लगे आपको ये लिख लेना चाहिए, अदरवाइज अगर आप बाद में भूल गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको लिख लीजिए। देखिए हमने आपको क्या क्या ये बता दिया है। एक फॉर्मेशन बताई थी मास्किंग, यही काफ़ी है। इसके बाद में दो तीन फॉर्मेशन और बता रखी मास्किंग के ऊपर। अब करना क्या है, मास्किंग प्लस एक स्टॉक सिलेक्शन का मेथड हम आपको देंगे आज, इनका यूज करना है आपको। ट्रेड्स की प्रैक्टिस करनी है, ट्रेड नहीं करना है। मार्किंग्स की प्रैक्टिस करनी है, मार्किंग से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। स्टॉक में अपना व्यू रखना है, बट उस व्यू के साथ रियल मनी की तरफ जाना नहीं है। प्राइस को कैंडल टू कैंडल आप एनालाइज करोगे, बट उस एनालिसिस के बाद में आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। कुल मिलाकर सेंटर में बात यह है कि ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। जो पॉइंट्स हमने शुरुआत में आपसे बोले हैं, ऑब्जर्वेशन, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ऑब्जर्वेशन। फिर से हम कह रहे हैं, कल भी हमने आप लोगों को ये बात बोली थी, बताने का भी ये मास्किंग स्टॉक सिलेक्शन कुछ ज्यादा। मास्किंग तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, स्टॉक सिलेक्शन बता देंगे खत्म हो जाएगा सब कुछ। 10 मिनट की क्लास नहीं आई, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, हो सकता है आधे घंटे चलिए, एक दो आपके डाउट होगा, हो सकता है 40-45 मिनट। लेकिन अगर ये प्रोसेस हम बताने की कोशिश अगर आपको करें ना, तो 15 मिनट की काम है बस, 15 मिनट का काम, खत्म। क्या ऐसा जरूरी है, आज हम आपको ये चीज बता दे, कल दूसरी बता दे, परसों तीसरी, ऐसे ही करते 15 दिन में सारा क्लास खत्म हो जाएगी। हाथ में क्या है, हमें मालूम है बताने में समय कम लगता है, इसकी प्रैक्टिस में काफी समय जाएगा। बहुत इत्मीनान के साथ, शांति के साथ बैठ करके प्रैक्टिस करिए, अपने आप को खूब सारा समय दीजिए प्रैक्टिस का। जितने डाउट्स आपकी तरफ से आएंगे ना मेरे पास, उतने ज्यादा हम लोग इनबिल्ट हो पाएंगे इसके अंदर, उतने ज्यादा डाउट्स आपके क्लियर हो पाएंगे। एक के बाद एक के बाद एक हम ऐसे सिस्टम अगर आपको बताते चलेंगे तो डाउट्स नहीं आएंगे और ना ही आप सिस्टम समझ पाओगे। याद रखिएगा ये सारी चीजें, है ना, ये टाइम पास नहीं है जो आगे का समय आने वाला। अभी मास्किंग जो मेथड ने बताया उसको तो क्लियर करने की जरूरत है नहीं, सभी लोगों को मालूम है। हम लोगों का काम क्या है, स्टॉक सिलेक्शन का जो मेथड हम बोलेंगे उससे जितने भी स्टॉक्स निकल करके आएंगे, मास्किंग के थ्रू हम लोग मार्किंग करेंगे इसके। हमें ये देखना है टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद में, 1 आवर इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा अपना, ये 1 आवर का है। 1 आवर के बाद में जब हम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आएंगे, चेंज कर देना टाइम फ्रेम। चेंज करने के बाद में देखना हमारी इस प्राइस के पास में, हमारे इस लेवल के पास में प्राइस की मूवमेंट क्या हो, जैसा हम लोग ऑलरेडी करते हुए आए हैं, उसको कुछ नया नहीं, सेम वही काम करना है। अब ये तो हो गया, ये जो रेंजेस हमारी ड्रॉ हुई मास्किंग के थ्रू, स्टॉक सिलेक्शन में देखिए क्या है किस तरह का। स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप लोगों को जिस वेबसाइट का यूज करना है वो है फटाफट। इसके पास से जब आप इस वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाओगे, एंट्री लेने के बाद में, वेबसाइट के अंदर एंटर होने के बाद में एक कॉलम हमारा आता है प्री वॉल्यूम का। प्री वॉल्यूम, इसमें दो तरह से वॉल्यूम्स को ये वेबसाइट आपके सामने लेकर के आती है। एक तो होता है इंक्रीजिंग, दूसरा होता है डिक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में, दो चीजें होंगी। हमें रखना है Z2A, यानी कि गिरते हुए क्रम में, जो सबसे हाई है सबसे ऊपर और जो सबसे लो है सबसे नीचे। इस तरह से हमारे पास कुछ एक स्टॉक्स निकल करके आ जाए। अब जैसे ही वो स्टॉक आया, जस्ट इमेजिन हमारे पास पावर ग्रिड है। जब पावर ग्रिड आ जाएगा तो हमें ये देखना है टाइम फ्रेम, आपको मालूम है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम लोग जाएंगे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाने के बाद में इसके अंदर हमें मास्किंग देखनी है। जब हम लोग ये मास्किंग देख लेंगे, मास्किंग करने के बाद में अब देखना है कि पावर ग्रिड इस लेवल पर आएगा तो किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। इन बिटवीन मत देखिएगा, अगर यहाँ पे ये नहीं है कि जबरदस्ती मार्किंग्स करने लग गए। जैसे ही स्टॉक आपका अपने इस लेवल पर टच होगा, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हो जाएगी, मूवमेंट से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आप फटाफट से क्लिक करने के बाद में प्री वॉल्यूम पर जाओगे, तो टोटल यहाँ पर आपको कितने अप साइड के स्टॉक्स ले लेने हैं और उनको ऑब्जर्व करना है। अब आ जाते हैं वापस से, कल हमने आपको एक लाइन बोली थी, शायद आपको याद हो, दीज फॉर्मेशंस आर जस्ट टूल्स। हमारा मेन मोटिव क्या है, एक बेहतर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर पहुंचना। हो सकता है ये जो मास्किंग हम आपको बता रहे हैं, मास्किंग आप कर तो रहे हो, अपने मास्किंग फॉर्मेशंस के थ्रू मार्किंग कर रहे हो, बट इस मास्किंग ने क्या किया, आपको एक सही रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया। रेजिस्टेंस लाइक वो एरिया जहां से प्राइस के अंदर एक्टिविटी देखने को मिल रही है। प्राइस बना नीचे भी गिर रहा है, अब साइड की तरफ भी जा रहा है ना, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकती है अप या डाउन साइड की तरफ, थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है, बट यहीं से प्राइस मेरा वापस से गिर रहा है नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर जा रहा है।
अब यहां पर अगर हमको मास्किंग एग्जैक्ट इस पॉइंट पर लेकर के जाती है, यहां पर लेकर के जाए, यहां पर लेकर के जाए, यहां पर लेकर के जाए, तो ये मास्किंग मेरे काम की है, मतलब ये वैलिड है। सिर्फ और सिर्फ मास्किंग नहीं, ये तो आपकी तीसरी तीसरी क्लास। इसके बाद में भी जितनी फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे उनका सबका काम ये होगा कि आपको एक सही पोजिशन पर लेकर के जाना। अगर ये फॉर्मेशन आपको सही लेवल्स पर लेकर के नहीं जा रही है तो ये समझ लीजिएगा कि ये फॉर्मेशन हमारी इनवैलिड है, मेरे किसी काम की नहीं है। ये आपको ट्रैप भी तो कर सकते हैं ना, कोई जादू थोड़ी ना इसके अंदर कि हमने बोल दिया मास्किंग तो बस जहां पर देखिए मार्क करो ट्रीट करो, ऐसा नहीं होगा ना। एक बार हमने मार्क किया तो हमें ये देखना होगा कि ये मास्किंग हमको लेकर के जा कर रही है, ये मार्किंग हमको कहाँ लेकर के जा रही है। दिमाग में सिर्फ ये बात रखिएगा, ये जो फॉर्मेशन है दीज आर जस्ट टूल्स, हमें पहुंचना कहाँ पर है ये मालूम होना चाहिए। इसलिए इन मार्किंग्स के थ्रू हम जहां पर पहुंचेंगे रुकेंगे और इधर उधर देख लेंगे। ऐसा नहीं हमने तो मार्किंग सही की बट मार्केट इस मार्किंग को मान नहीं रही है, तो मेरे लिए ही वैलिड है। अभी जो पॉइंट्स हमें क्लियर करने थे हमने क्लियर किया। आप सीधे चार्ट्स पर चलो, ये आईटी सेक्टर है। कुछ लोगों ने हमें कल का जो होमवर्क दिया था सबमिट किया है, कुछ ने नहीं किया है, तो कोशिश करिए सभी लोग सबमिट कीजिए। नेक्स्ट वीक हम इसका होमवर्क लोग यहाँ पर फटाफट देखिए, अपसाइड ऊपर नहीं आ गया, आप गूगल पर जाकर के सर्च कर लेना, क्लिक हियर टू ओपन फ्री फटाफट स्क्रीन ओपन कर लीजिए, डायरेक्ट आप वेबसाइट के अंदर चले जाओगे। ये प्री बिल्ट इनबिल्ट एक एक्सेल फाइल है जिसके अंदर कुछ डाटा आपको मिल जाएगा, सेक्टर्स लिखे हुए हैं, करंट मार्केट वैल्यू जो है, ओपन हाई लो और चेंजेस क्या हुए हैं इसके अंदर। जिस भी स्टॉक के अंदर सबसे हाई चेंजेस में आप इसको जेड टू ए कर दोगे ना, ये आपको लेकर के चला गया। अभी यहाँ पर क्या है, ये ए टू जेड में है, मतलब ए से अपने स्टॉक्स स्टार्ट हो रहे हैं और जितने भी स्टॉक्स हैं अपने मार्केट के अंदर फ्यूचर्स में जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपको दिख जाएंगे। अब अपने काम की क्या चीज़ है, यहाँ पर देखिए एक कॉलम आपको दिख रहा होगा प्री वॉल्यूम परसेंटेज लिखी हुई है, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्री वॉल्यूम। अभी इस प्री वॉल्यूम पर क्लिक कीजिए, करना क्या है जेड टू ए कर देना है, कितने स्टॉक्स निकल के आ गए। अच्छा इस प्री वॉल्यूम का एक खास बात ये है, यहाँ पर देखिए आपको कैप्शन दिखेगा कंपेयर टूडेज वॉल्यूम टू थ्री डेज एवरेज वॉल्यूम एज एज अ परसेंटेज, पिछले तीन दिन को एवरेज करके प्री मार्केट ओपनिंग के सेशन में जिस भी स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आती है, ये स्क्रीनर आपको या ये फिल्टर आपको उस स्टॉक को दे देता है। मॉर्निंग में ये आपको सर्च कर लेना है, एक बार सर्च कर लीजिएगा 9:30 पर, वहां पर इसको देख लीजिएगा, यानी कि प्री मार्केट में ये आपको मिल जाएंगे। अब देखिए कितने स्टॉक्स हैं मेरे पास, एक एक करके सभी स्टॉक्स का देख लो और मैक्स टू मैक्स चले जाइएगा 1 से लेकर के 10 तक, यहाँ से लेकर के 10 नंबर लिखा हुआ ना यहाँ तक, बाकी आगे जाने की जरूरत नहीं है, 10 नंबर तक कुछ 6-7 स्टॉक आपको मिलेंगे। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब ये मान करके चलिएगा जैसे टाटा कॉम है, टाटा कम्युनिकेशन है, हमें नहीं मालूम है कि आज टाटा कम्युनिकेशन में क्या हुआ या जितने स्टॉक्स उनके अंदर क्या हुआ है। हमें करना क्या है, हम अपनी फॉर्मेशन देखेंगे इसके अंदर, कौन सी मास्किंग, एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट पर अगर हमें मास्किंग मिलेगी तो वहां पर हम मार्क कर लेंगे और देखेंगे कि आज ये जो स्टॉक्स निकल के आए हैं उस रेंज पर पहुंचने के बाद में उन स्टॉक्स की क्या परफॉर्मेंस रही। और ये डेड चार्ट के ऊपर अभी तो हम एग्जांपल दे रहे हैं, अभी तो मार्केट चल नहीं रही है, लेकिन आप जो प्रैक्टिस करोगे ये लाइव मार्केट के अंदर करो, समझ रहे हैं जो बात अभी हम बोल रहे थे। पूरे वीक आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर हमें खत्म करना होता ना तो आज ये चैप्टर खत्म कर दूसरा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये जो चैप्टर हम आपको बोल रहे हैं इसकी प्रैक्टिस पूरे वीक करना, पूरे वीक प्रैक्टिस करने के बाद में नेक्स्ट वीक इसको लेकर के जो डाउट्स उसको क्लियर हम लोग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तब इसका कुछ रिजल्ट निकले। आई होप कि जिस पॉइंट पर हम आपको लेके जाना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं उस चीज को। टाटा कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें ये देखना है कि हम मास्किंग कहाँ होगी, मास्किंग चलिए ये है 1 आवर रेंज, हमने मार्क कर समझ पा रहे होंगे सभी, एक मदर कैंडल बनी, कोई हैंड राइज अभी नहीं, जो चीज अभी हम समझा रहे सिर्फ उसको समझने की कोशिश करिए, जब बोलेंगे डाउट्स तो उसको क्लियर करिएगा। मास्किंग पर पहुंचे, अभी यहां से प्राइस के अंदर ब्रेकआउट्स वो तो चलिए हो गया और प्राइस मेरा ऊपर निकल गया, तो यानी कि आज इस रेंज पर मेरा स्टॉक ही आया ही नहीं है, 915 की ओपनिंग ही ऊपर हुई है और वो स्टॉक नीचे नहीं आया, और इसके बाद में कोई मास्किंग हमको इधर दिख नहीं रही है, बहुत माइन्यूट सा काम हुआ है। ये ग्रीन कैंडल ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी, बाकी अगर इसको भी हम मार्क कर लेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंचे उसी लेवल पर, ये ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। तो जो बड़ी रेंजेस आपकी ड्रॉ कर रही है उन फॉर्मेशन के लिए, फिलहाल फॉर्मेशन पे कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, हमने इस कैंडल लिया और इसके बाद में देखिए प्राइस हमारा उस लेवल पर आया नहीं, जान लीजिए इसको। दूसरा स्टॉक कौन सा है, ओवरऑल्टी है, ये आज का इसका मूव है,
अब हमें क्या देखना है, प्री मार्केट में हमें ये पता चल जाएगा कि इसका जो एरिया है वो कौन सा है, ये किस जगह पर ओपन हुआ है। तो अब इस रेंज पर हमें ये देख लेना है कि स्विंग हाइस के पास में हमें कौन सी मार्किंग मिल रही है, या कौन सा स्टॉक में पहुंचा रहा है वहाँ पर मार्किंग। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये सब इनवैलिड है। अगर आपको लग रहा हो कि हमें कहीं अच्छी जगह पर लेकर के जा रही है, उनको मार्क मत करिएगा। ये देखिए 6th अप्रैल, नहीं 6th अप्रैल, 1 2, ये हमने मार्क कर लिया। इसके अंदर देखिए मेरी मदर कैंडल भी फॉर्म हो रही है, उसको यहाँ पर मास्क भी किया गया है, और इसके बाद से प्राइस मेरा इस रेंज के अंदर है। आज गैप डाउन ओपनिंग, और वापस अब हम चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पर, समझ पा रहे हैं ना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमने मार्किंग क्या की है, और मार्किंग करने के बाद में आपकी रेंज पर आकर के स्टॉक मेरा क्या कर रहा है, ये टच हुआ ना, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मेरा स्टॉक टच हुआ है, और टच होने के बाद में यहाँ के मूवमेंट हमें ये देखना है कि प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पर इस रेंज से टच होने के बाद करता क्या है, जो स्टॉक हमारे उस स्क्रीनर में आए, क्योंकि वॉल्यूम्स के काफी अच्छे ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेंगे। ये देख रहा हूँ इतने काफी बड़ी मात्रा में इसके अंदर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, वॉल्यूम्स भी आई है और प्राइस का मूवमेंट सेम काम करना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्किंग करिए, टाइम फ्रेम चेंज कीजिए, फाइनेंस के टाइम फ्रेम पर आइए, और फिर देखिए कि प्राइस मेरा उस लेवल पर आ जाने के बाद में करता क्या है। चलिए दूसरा स्टॉक कौन सा था, चोला फाइनेंस। वन आवर मतलब ये एक स्विंग है मेरा, पूरा के लिए मेरा स्विंग है। अब यहाँ पर मास्किंग इस वाले पॉइंट पर, कहीं वॉल्यूम्स को ऑफ कर देते हैं, ये लीजिए 1 और 2, समझ में आ रहा है। मतलब एक स्विंग पर हमको हमारी मास्किंग ने, जो मास्क हमने किया है, जो मार्किंग की है, इस मार्किंग ने हमको हमारे एक स्विंग पॉइंट तक पहुंचा दिया। अब जब इस स्विंग तक पहुंचाया तो देखिए यहाँ पर मार्केट की एक्टिविटी किस तरह की हुई है, प्राइस उस लेवल पर आ रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है बार बार, है ना, गिर गया, अगेन जब आप साइड की तरफ गया। यही हमने कहा ना कि एक बार जब आप मार्किंग कर लो तो देखो कि प्राइस हमारे उस आगे पीछे उस रेंज की तरफ कर क्या रहा है। भले ही हमने मास्किंग की, जो मार्किंग है वो यहाँ पर की है, बट इस रेंज पर आकर के मार्केट क्या कर रही है, नीचे से अप साइड की तरफ आई और यहीं रुक गई है ना, फिर उसके ऊपर नहीं गई, गिर गई, फिर अप साइड की तरफ गई। मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग एक मार्किंग को लेकर के कुछ ठीक ठाक मार्किंग हमने की। आज जो मार्केट की ओपनिंग है चोला फाइनेंस की, प्राइस हमारा एग्जैक्ट उसी लेवल पर है, 5 मिनट्स पर है। वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, बेशक वॉल्यूम्स के बहुत अच्छे ब्रेकआउट इसके अंदर हुए, ब्रेकआउट हो गए। अब देखिए कि मार्केट ने किया क्या है, क्या आपकी रेंज को ब्रेक करके आज नीचे गिरी, नहीं आई, आपकी उस रेंज से ही प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ चला। क्लियर होना चाहिए एक एक पॉइंट। हम लोग स्क्रीनर से स्टॉक उठा रहे हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मास्किंग को यूज करके मार्क कर रहे हैं, और फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आकर के यहाँ पर स्टडी अपनी कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि प्राइस हमारी रेंज पर आके करता क्या है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई चुने हुए शब्द नहीं है, तो हमें मजबूरन ये बोलना पड़ता है, क्योंकि यही यही एक सही टर्म भी है कि हमारी रेंज के पास में आकर के मार्केट क्या कर रही है। हमें यही देखना है कि यहाँ पर मार्केट आकर के क्या कर रही है, इसी को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। हम आपसे ये नहीं बोल सकते कि प्राइस जब यहाँ पर आया है तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, लो कैंडल का ये ब्रेक हो गया, और फिर क्या हो गया, सब आगे की चीजें हैं जब हम आपको फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी बताएंगे आगे चल करके, वो देखेगा। बाकी इसके अलावा जो फॉर्मेशन हमने आपको बताई है, वो फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर क्या करती है आकर के, है ना। रेक्स लाइन हमने बता रखी है आपको, देखिए यहाँ पर रेक्स बनती तो क्या होता है, रेक्स लाइन ढूंढिए। कुल मिलाकर हमारी रेंज के पास में स्टॉक की एक्टिविटी क्या है, सिर्फ इतना सा काम है आपका। अगला स्टॉक SR ट्रांसफर, कोई भी स्टॉक आप ले लो, जैसे यहाँ पर आए ना, यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स आए हैं उनमें से कोई भी स्टॉक आप उठाइए और मार्क करना स्टार्ट करिए। SR ट्रांसफर है, 1 आवर का टाइम फ्रेम। अच्छा ये देखें, यहाँ कहीं मास्किंग नहीं है, पीछे 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 कोई नहीं कोई नहीं। ये देखिए बनी ये वाली कैंडल, इनको डिलीट करके एक यहाँ और एक यहाँ, समझ में आ रहा है। अंदर 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 पूरी तरह से एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन, इसने मास्क कर दिया। अब जो कैंडल मेरी मास्क करी वो ब्रेक कर सकती है, तो ठीक है, एक तरह से ये मेरी मार्किंग हो गई। क्या हो रहा है यहाँ पर, प्राइस हमारा हमारे लेवल पर क्या कर रहा है, 915 की कैंडल, रेंज के अंदर और रेंज के बाहर, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आएगी। सेम काम सेम प्रैक्टिस, यही प्रोजेक्ट आपका पूरे वीक का रहेगा कि आप रोज स्क्रीनर को रन करोगे और देखोगे, आप देखोगे कि आपकी फॉर्मेशंस फॉर्म होने के बाद में मार्केट के अंदर की हलचल क्या हो रही है। ट्रेड करने से हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि कोई भी लालच नहीं होना चाहिए आपका, एक फुली डेडिकेशन के साथ आप बैठोगे और सिर्फ यही देखने के लिए बैठोगे कि मार्केट की मूवमेंट किस तरह की, बहुत बड़ा काम है।
और ये सभी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई कहता है कि सारी चीजें पूरे वीक आपको प्रैक्टिस करनी, जो कल हमने वक्त दिया आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया कंप्लीट करने के लिए, वो प्लस ये। अभी कोई भी डाउट है आप लोगों का तो आप क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज मेरी तरफ से जो कॉन्सेप्ट समय क्लियर करने थे आप लोगों तक जो पहुंचाने थे, मेरा काम खत्म है। जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसको क्लियर कर सकते हो। अनिश साहब माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ये स्क्रीनर प्री मार्केट ओपनिंग का है ना, 9 बजे से 9-7 के बीच का, हाँ लेकिन रन करिएगा इसको करीब 9:20 के बाद 9:30 तक, तो ये डाटा कांस्टेंट रहेंगे ये सेम रहेगा। एक बार जो ये? बन जाता है वही रहता है। प्री मार्केट को पूरा ये रीड करता है और प्री मार्केट का जो भी डाटा रहता है वो यहाँ पर आएगा। अब प्री मार्केट आज की तो एक ही रहेगी ना, वो चेंज थोड़ी ना होगी। हेलो सर, आपने ये बोला कि ये हमको 9:30 बजे उसको रन करना है फटाफट में, ठीक है, तो उसमें हमें आज के दिन के लिए मिलेगा या फिर पिछले दिन का देखना है? जी नहीं, आज के दिन के लिए तो जैसे अब तक हमने जितने स्टॉक देखे उसमें तो हमें पिछले दिन का ही सब दिखा ना, आज के दिन का तो ऐसा कोई दिखा नहीं। अच्छा, अभी मेरे सामने कौन सा स्टॉक खुला हुआ है? ठीक श्रीराम ट्रांसपोर्ट, है, इसमें हमने किस दिन का देखा? इसमें नीचे मैंने डेट नहीं देखी। हमने जो मार्किंग की है वो प्रीवियस डे की, और जो मूवमेंट देखी है वो आज की देखी है। सर मेरा थोड़ा एक पहला 10-15 मिनट का मिस हो गया, नेट कनेक्शन नहीं था। एक बार वो सर स्क्रीनर कैसे लगे थे एक बार वो बताएं तो बहुत अच्छा प्लीज। गूगल पर जाएंगे हम लोग, जस्ट गूगल पर देखिए, हम तो डायरेक्ट ही वो कर रहे हैं इसको। आप लिख दीजिएगा फटाफट फटाफट स्टॉक स्क्रीनर, फटाफट स्टॉक कर, ओके। ये ओपन हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये जो एन कॉलम बना हुआ है ना, ये प्री वॉल्यूम का है, इसको जेड टू ए कर देना है। ये स्टॉक है आपके पास, जेड टू ए करना है, ओके, एन कॉलम को, ओके। बस 1 to 10 जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें से आपको एक एक करके फिल्टर करना होगा कि कौन से स्टॉक किस रेंज पर है। ओके ओके ठीक है सर, क्लियर। चलिए तो आई होप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हैं पूरी तरह से, हैंड राइज नहीं और मैसेज भी नहीं किसी तरह का। तो पूरे वीक होमवर्क आपके पास है, हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। नारायण गौरव नेक्स्ट, ओके डाउट्स हैं तो एक काम करिए आप सभी लोग।